आज जो छोटा सा एक संदेश परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया है उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हम जानते हैं परमेश्वर अपने लोगों से अलग अलग रीतियों में बात करता है। कुछ लोगों को परमेश्वर कुछ अच्छी आशीषों को देता है और उसमें से परमेश्वर उनसे बात करता है। हो सकता है बीमारियों से शिफाई हो सकता है कोई अच्छा नौकरी मिल गया, या हो सकता है कि कोई प्रमोशन मिल गया, कोई अच्छा फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिल गया। परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करता है। परमेश्वर दूसरे तरीके से बात करता है। कभी कभी लोग बीमार हो जाते हैं या कुछ निराशा में चले जाते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों से उस रीति में भी बात करता है। परमेश्वर के बात करने के तरीके काफी निराले हैं। मैं याद करता हूँ 2017 में मैं तिरुवल्ला में बिलीवर्स चर्च हॉस्पिटल में मैं एडमिट था एक ऑपरेशन के लिए। तो मैं काफी निराश था इस बात को सोच करके कि परमेश्वर इतना कुछ मेरे साथ, शारीरिक रूप से समस्या हो गया, इतने ऑपरेशंस हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन शिफाई मुझे नहीं मिल रही है। काफी बातों से मैं बड़ा उदास था, काफी उदास था। तो मेरे ही एक, मैं जनरल वार्ड में था, मेरे सामने एक परमेश्वर के दास, एक पासवान थे जो कि वहां पर एडमिट थे और उनका डायबिटीज बहुत हाई हो गया। डायबिटीज हाई होने के चलते में लास्ट में डॉक्टरों के पास में और कोई ऑप्शन नहीं था, उनका एक पांव ऊपर से, घुटने से ऊपर से काटना पड़ गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डायबिटिक हो गए और उनके पैर में समस्या हो गया, तो उनका पाँव काटना पड़ गया। तो उनके कलीसिया के विश्वासी लोग वहाँ पर आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं और सब विश्वासी रो रहे हैं, सब बहुत दुखी हैं। लेकिन ये परमेश्वर का दास बोलता है, अरे तुम लोग इतने दुखी क्यों हो, तुम लोग इतने उदास क्यों होते हो, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो, इतने सवाल क्यों पूछते हो। अगर शैतान को लगता है कि मेरा एक पांव काटने से मैं परमेश्वर का काम में कमजोर पड़ जाऊंगा तो वो उसकी गलत सोच है। मैं परमेश्वर के काम को और भी उत्सुकता से करूंगा, ये शैतान को अभी मालूम नहीं है, आगे जब वो सुनेगा तब वो समझेगा। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा, प्रभु इस आपके दास के शरीर का एक भाग कट गया, अब वो उस फ्रीडम से नहीं चल पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी उसके बीच में आपने उनसे बात किया, आपने उनको धीरज दिया और उनका इस्तेमाल किया कि अपने विश्वासियों को साथ में वहां पड़े जितने पेशेंट्स थे इंक्लूडिंग मी, हमसे भी बात किया। तो मैंने जो कहा, परमेश्वर भलाइयां आशीषें देख करके बात करता है, कभी कभी बीमारियों के बीच में भी परमेश्वर बात करता है, लेकिन परमेश्वर का एक तीसरा तरीका है बात करने का जो उतना हमें पसंद नहीं आएगा, हम उसको देख करके उतना खुश नहीं होंगे। लेकिन पिछले दिनों परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें मेरे हृदय में डाला और मुझे ये समझ में आया कि कभी कभी परमेश्वर के बात करने का तरीका बड़ा निराला होता है और उस बात को मैं आपके सामने रखूंगा। हो सकता है आपको शुरुआत में उसको सुनने में उतना पसंद ना आए, लेकिन धीरे धीरे आप समझने पाएंगे कि ये परमेश्वर का वचन किस एंगल से परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो इस जो वचन को एक टाइटल यदि दिया जाए तो उसको मैं इंग्लिश में इस प्रकार कहूंगा, अनकंफर्टेबल वर्बल एक्सप्रेशंस। अनकंफर्टेबल वर्बल एक्सप्रेशंस, उसका प्योर हिंदी का अनुवाद ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसलिए मुझे गूगल पर निर्भर होना पड़ा और गूगल में उसका ट्रांसलेशन यह है, असुविधाजनक मौखिक अभिव्यक्ति, असुविधाजनक मौखिक अभिव्यक्ति। अनकंफर्टेबल मतलब कुछ ऐसे वर्बल यूसेजेस, कुछ ऐसे बोलने का बात जो सुनने में बिल्कुल हमें पसंद ना आए, ये है परमेश्वर का बात करने का एक तरीका। आप समझ गए होंगे, कभी कभी परमेश्वर हमसे कोई बात करता है, हमें सुनने में कुछ मजा नहीं आता है। कभी कभी परमेश्वर के दास लोग कुछ प्रचार करते हैं और अगर कुछ थोड़ा सा शिक्षा वाली बात या थोड़ा थोड़ा कठोर बात कर देते हैं तो हम बैठने वाले क्या करते, थोड़ा हट जाते हैं और बोलते मेरे लिए नहीं है, पीछे वाले के लिए है। हम उस तरह से अपने मानसिक
बात को अपने मन को हम तैयार करते हैं, लेकिन परमेश्वर बात करता क्यों है? उसका कारण यही है कि जो परमेश्वर आशीष और भलाई और चंगाई देख करके बात करता है, जो परमेश्वर दर्द और पीड़ा के बीच में बात करता है, वो परमेश्वर कभी कभी थोड़ा सा कठोर या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बात करके भी हमसे बात कर सकता है। क्यों? उसका कारण केवल एक है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। और वो प्रेम इतना निराला, मैं आज सोच रहा था, आप मेरे साथ थोड़ा सोचने के लिए कोशिश करें कि जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि को सृष्टि की, आदम की सृष्टि की, जब तक आदम के आंखों को पसंद आने वाला एक पार्टनर तैयार नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर काम करता रहा। क्यों? क्योंकि आदम से परमेश्वर प्रेम करता था। मनुष्य पाप में गिरता गया, लेकिन परमेश्वर तब तक अपने कार्य को करता रहा जब तक अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमें छुटकारा और पापों की बलिदान देख करके, अपने आप को स्वर्गीय प्रभु ने बलिदान देख करके हमारे पापों की मुक्ति जब तक नहीं दी, तब तक वो आराम नहीं हुआ। और आज मैं इसलिए आपसे कहता हूं, यदि परमेश्वर कभी कभी थोड़ा सा कठोर बात भी करता है, उसके पीछे उसका प्रेम छिपा है। आप बैठे सभी, मोस्ट ऑफ अस, हम माता पिता हैं, हम अपने बच्चों से कभी कभी थोड़ा कठोर बात करते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए नहीं कि हम इसे दुख देना चाहते हैं, दर्द देना चाहते हैं, नहीं, लेकिन इसलिए कि हम उस बच्चे से प्रेम करते हैं। अगर संसारिक रूप से हमारे कठोर लफ्जों में प्रेम छिपा है, तो स्वर्गीय परमेश्वर के कठोर लफ्जों में कभी भी क्रोध नहीं छिपा है, उसके पीछे भी प्रेम छिपा है। यह समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कुछ विशेष अवसरों पर कुछ लोगों से काफी कठोर होकर के उन्होंने बात किया, जो कभी सुनने में शायद अच्छा ना लगे, पढ़ने में भी अच्छा ना लगे, लेकिन उस बात के पीछे परमेश्वर का जो प्रेम छिपा था, उस बात को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। आप में से यदि मैं, मेरे सामने इंग्लिश बाइबल है, अगर कोई हिंदी बाइबल बीच में पढ़ के मेरी सहायता कर सकते, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। पहला पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 23वां वचन। मत्ती 16 और उसका 23 वचन से पढ़ के सहायता कीजिए। उसने मुड़कर पत्रस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, हाँ। मेरे लिए ठोकर का कारण है। बस पहला अनकंफर्टेबल वर्बल एक्सप्रेशन, असुविधाजनक मौखिक अभिव्यक्ति, पहला है मेरे पीछे हट जा या मेरे सामने से हट जा। इंग्लिश में जो लिखा है वो है गेट बिहाइंड मी। अगर उतना काफी नहीं था तो एक कदम और बढ़कर के यीशु ने क्या कह दिया है, शैतान मेरे सामने से हट जा। किसे कह रहा है? उस पत्रस से जिसकी थोड़ी देर पहले परमेश्वर ने बड़ी तारीफ कर दी थी। आप उस वचन को जानते हैं, वो पूरा पढ़ने की मैं वे समय नहीं निकालूंगा। जब पत्रस ने प्रभु यीशु के बारे में, उनके आगमन के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें कह दिया, तो प्रभु यीशु ने उसके बारे में बड़ी तारीफ कर दी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में पत्रस समझ नहीं पाया, पत्रस को प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? हे शैतान, हट जा, सामने से हट जा। उसका सही अनुवाद ढूंढता मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में गया, यूनानी भाषा में। वहां पर क्या लिखा है? हिपागे ओपिसो मो, हिपागे ओपिसो मो। उसका अर्थ क्या है मैं उसको पहले बता दूं। हिपागे ओपिसो मो का अर्थ है जबरदस्ती किसी को पकड़कर
चाहे उस व्यक्ति को कितना भी इच्छा ना हो, फिर भी जबरदस्ती पकड़कर अपने सामने से हटाकर पीछे लाके खड़ा करना, उसको बोलते हैं हिपागे ओपिसोमो। मतलब जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु ने थोड़ी देर पहले बोलकर इतना ऊपर चढ़ा दिया था, उसी व्यक्ति को अब सामने से पकड़कर पीछे खड़ा कर रहा है, बोल रहा है मेरे पीछे हट जा। आज की भाषा में बोलूं तो मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूं। देखिए कितना कठोर वर्बल एक्सप्रेशन है। उस समय पत्रस के मन में क्या चल रहा होगा थोड़ा आप सोचिए। वाह रे वाह, कैसा लीडर है, थोड़ी देर पहले तो इतनी तारीफ कर दी, अभी उन्हीं लोगों के सामने बेइज्जत भी कर दिया। मैं होता तो शायद यही सोचता, पत्रस क्या सोचा मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रभु यीशु को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या पत्रस ने कुछ गलत बात कह दिया था? नहीं, जो कहा सही कहा। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम यह था कि जिस विषय में बात चल रहा था उस विषय के बारे में पत्रस को अच्छी समझ नहीं थी। कभी कभी हमारे जीवन के कुछ कुछ विषय जिसके बारे में हम कितना भी चाहकर भी सही समझ नहीं पाते हैं, हमें समझाने के लिए परमेश्वर को थोड़ा कठोर होना पड़ता है। साधारण रूप से तुम्हें समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पकड़कर जबरदस्ती पकड़कर हमें पीछे खड़ा कर देता है ताकि वो आगे रहे और हम पीछे रहे, परमेश्वर का काम बढ़ता रहे, हमें पता भी ना चले। क्योंकि यदि हम आगे रहेंगे हम रुकावट बनेंगे, परमेश्वर के प्लान के सामने रुकावट बनेंगे, परमेश्वर के कार्यक्रमों के सामने हम रुकावट बनेंगे। इस रुकावट को हटाना जरूरी है, इससे पहले कि कोई और हमें हटा दे उससे पहले परमेश्वर खुद हमें हटाकर पीछे खड़ा करता है ताकि उसकी नाम की महिमा होने पाए। आपके और मेरे जीवन में, मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जितना भी चाहकर भी हम नहीं समझ पाते हैं, तो जबरदस्ती हमारे परमेश्वर को यह करना पड़ता है कि हमसे बोलता है तू सामने से हट, तुझे मेरा प्लान नहीं समझ में आएगा, तू सामने से हट, मेरे प्लान मेरे प्रोग्राम को तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अगर तुम समझोगे तो शायद यह प्लान मुमकिन भी नहीं हो पाएगा। अगर पत्रस उस वक्त ये प्लान समझ जाता शायद वो कुछ ऐसा करता कि यीशु को मरना ही नहीं पड़ता। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा गेट बिहाइंड मी सैतान, मेरे पीछे हट जा, कम बैक, क्योंकि तुम परमेश्वर के कार्यक्रमों को प्लान्स को उसको टूटने मत देना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में भी कभी कभी परमेश्वर ऐसे काम को कर सकता है यदि हम नहीं समझ पाते हैं। वो अगर जबरदस्ती हमें समझा रहा है उसे उसकी कठोरता ना समझे, वो हम उसका प्रेम है जो हमारे लिए वो रखता है, जिसके कारण वो खुद सामने खड़े होकर हमें पीछे खड़ा करता है, क्योंकि सबसे अच्छा लीडर हमारा परमेश्वर स्वयं है, ना कि और कोई। संसार में कितने बड़े बड़े नेतागण क्यों ना होंगे, मैं अक्सर कहता हूं अलग अलग देशों में अलग अलग मंत्रियां हैं, अलग अलग लीडर्स हैं। अगर एक युद्ध हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाए, सबसे पहले हवाई जहाज पकड़ के भाग जाएंगे। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है, वो सामने खड़ा होकर जब तक हमें उनकी इच्छा हम समझ ना पाए तब तक वो सामने खड़े रहकर हमारे लिए वो युद्ध करता रहेगा। ये है परमेश्वर का प्रेम। उसमें नीचे लिखा है और व्यक्ति और स्पष्ट रूप से अनुपास्त उसको और एक बार उसी वचन को एक बार नीचे पढ़ते, 23 से नीचे पढ़ लें, 23वें वचन को पढ़ दें एक बार फिर से, अनम्यूट कर लें आप 23 को पूरा। हाँ, उसने मुड़कर पत्रस से कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। क्यों? जब तक हम मानुषिक सांसारिक बातों से हट नहीं जाते और जब तक हम स्वर्ग की ओर दृष्टि देखकर स्वर्गीय बातों को नहीं समझेंगे,
तब तक परमेश्वर हमें आगे आने नहीं देगा, वो आगे खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है कि हम स्वर्ग की बातों को समझें, स्वर्गीय बातों को समझें। हम मनुष्य हैं और कई बार ना चाहते हुए भी आत्मिक बातों में भी हम सांसारिक बातों को लेकर के आते हैं, आत्मिक बातों में भी हम मानुषिक बातों को लेकर के आते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर कहता है, मेरे सामने से हट, पीछे खड़े हो जा। मैं सोचता हूं अभी एक ऐसा समय है जब कलीसिया घरों में बैठी हुई है, परमेश्वर ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि हम स्वर्ग की बातों को नहीं समझ पाए, इसलिए परमेश्वर को अपने तरीके से समझाना पड़ रहा है। गेट बिहाइंड मी, पीछे हट और परमेश्वर के काम को देखते रहे। तो पहला है अनकंफर्टेबल वर्बल एक्सप्रेशन, पहला है गेट बिहाइंड मी, मेरे पीछे हट जा। दूसरा है मरकुस, उसका पहला अध्याय और उसका 25वीं आयत, मार्क 1:25, मार्क 1:25। अपने आप को अनम्यूट करके अनुप पास्टर। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। दूसरा अनकंफर्टेबल वर्बल एक्सप्रेशन है चुप रह, बी साइलेंट। अर्थात मैं भी सामने समझाऊंगा तो आप उसको समझ पाएंगे। अर्थात यीशु बोल रहा है एक लफ्ज भी मुंह से अब मत निकालना, एकदम चुप, साइलेंट। हम जानते हैं यहां पर परमेश्वर ये बोल किसको रहा है, उस दुष्टात्मा को बोल रहा है जो एक व्यक्ति के अंदर में है। अब यहां पर जो चुप रह के लिए जो सही पद उपयोग किया है वो है फिमोतिथे। फिमोतिथे का मतलब क्या है? कभी कभी आपने टीवी में देखा होगा जब ये जानवरों के पीछे में जो लोग जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल मगरमच्छ को पकड़ता है तो मगरमच्छ अपना मुंह खोलकर वार नहीं कर पाए, इसलिए क्या करता है, मगरमच्छ के मुंह को किसी रस्सी से बांध देता है ताकि वो मुंह नहीं खोल पाए, मुंह को बांध देता है ताकि वो मुंह ना खोल पाए। वही उपयोग यहां पर दिया गया है। अर्थात प्रभु बोल रहा है एकदम शांत, जबरदस्ती मुंह बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है अगर मुंह खोलेगा बहुत कुछ बोल देगा। अब यहां पर भी इस व्यक्ति के अंदर में जो दुष्टात्मा है वो कुछ गलत नहीं बोल रहा है। वो क्या बोलता है वहां पर, जब हम देखते हैं वहां स्पष्ट रूप से लिखा है, वो क्या बोलता है, इतना बोलता है कि तू तो ओ एंड ही क्राइड आउट, व्हाट हैव यू टू डू विद मी जीसस ऑफ नासरत, तुम नासरत के यीशु मसीह, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना, Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. क्या तुम मुझे नाश करने आए हो? मैं जानता हूं कि तू पवित्र परमेश्वर का के ओर से आया है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है। फिर भी प्रभु ने उससे क्या कहा? चुप रह। कभी कभी हमारे जीवन में इसमें दो बातें हैं, जब कुछ कुछ क्लेश आते हैं, कुछ कुछ परेशानी आती है, हम बहुत कुछ बोल देते हैं। आपने बोला है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बोला है। मुश्किलों के बीच में, बीमारी के बीच में, समस्याओं के बीच में, दिल के अंदर में जो दर्द होता है वो मुंह से निकल जाता है, ना चाहते हुए भी कभी कभी निकल जाता है। ऐसे समय पर प्रेम करने वाला परमेश्वर आके कहता है चुप रह। ये पहली बात। दूसरी बात, सुनने में शायद अच्छा ना लगे लेकिन ध्यान से सुने। हर संसारिक संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी ही क्यों ना हो, सबके अंदर में कुछ छोटे छोटे शैतान होते हैं जिसका नाम होता है क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और क्या क्या मैं बोलूं, छोटे छोटे शैतान होते हैं सबके अंदर। अगर स्वर्ग का परमेश्वर अपने प्रेम के कारण उन शैतानों को शांत नहीं करेगा तो उसका मतलब है वो हमसे प्रेम नहीं करता है। लेकिन वो शांत करता है
वो इस बात का सबूत है कि वो हमसे बे इंतहा प्रेम करता है, बे इंतहा मोहब्बत करता है। आप देखें मेरे भाइयों बहनों, संसार में यहां वो मर्डर होता है, क्रोध में उसकी आरंभ होती है। मैंने एक साइकोलॉजी सीखा है, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ बदला लेने के लिए जब जाता है, उसके मन में उसको जान से मारने की इच्छा नहीं होती है। वो जाता यही सोच के है कि उसको आज दिखाना है कि मैं कौन हूं, एक सबक सिखाना है, यही सोच के जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके अंदर की ये क्रोध उसके ऊपर में हावी हो जाता है और वो इस स्तर तक उतर जाता है कि वो सामने वाले को मार देता है। हमारे जीवन में इतना क्रोध आया, लेकिन आज तक परमेश्वर ने हमें उस लेवल में जाने की अनुमति नहीं दी। मालूम क्यों? क्योंकि वो हमसे बे इंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन फिर भी हमने अपने लफ्जों से कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों को तोड़ा है, कितने लोगों को गिराया है हमने अपने लफ्जों से। ऐसे लोगों से आज परमेश्वर कहता है, अगर वो मैं हूं तो मुझसे भी परमेश्वर कहता है, चुप रह, क्योंकि अगर एक और लफ्ज तुम बोलोगे तो बहुत आगे तक चले जाओगे। उसका प्रेम हमारे ऊपर बहुत सामर्थ्य रूप से आज भी मौजूद है, इसलिए वो हमसे कहता है चुप रह। आगे बढ़ता हूं, तीसरा, योना रचित सुसमाचार उसके 21वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। योना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और उसका 22वां वचन। अनु पास्टर अनम्यूट कर ले। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, बस मेरे पीछे बोले। तीसरा उपयोग है, तुझे इससे क्या, व्हाट इज दैट टू यू। आज की भाषा में अगर लिखा होता तो क्या लिखता मतलब मालूम है, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। पता नहीं प्रभु यीशु पत्रस के साथ में इतना प्रेम क्यों करता था कि बार बार उसी को सुधारता था। अगर हमें परमेश्वर बार बार सुधार रहा है, इसका मतलब यह कि हमसे वो बाकी लोगों से ज्यादा प्रेम करता है। वो चाहता नहीं है कि हम नाश हो, वो चाहता है कि हम बने रहें। अब प्रभु को यह बोलना क्यों पड़ा, वो जानना है तो उसकी उसका भेद जानने के लिए 20वां वचन पढ़ दे, 21:20। पत्रस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा, पत्रस ने क्या करके मुड़कर किसी और को उस रीति से देखा जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। वहां पर एक कॉम्पिटिटिव भावना थी, मेरा तो ये होने वाला है, तेरा क्या होगा भाई। प्रभु परमेश्वर उसके हृदय को जांच कर, प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु क्या बोलता है, इसको मैं यूएसए का प्रेसिडेंट बनाऊं तो तुम्हें उससे क्या, तुम अपने काम से मतलब रखो भाई। अब उसकी आत्मिक भेद मैं बता दूं, कभी कभी मनुष्य होने के बावजूद, मसीही होने के बावजूद, परमेश्वर के सेवा में होने के बावजूद, हम अपने सेवा से ज्यादा दूसरों की सेवा के बारे में फिक्र करते हैं, अपने कलीसिया से ज्यादा दूसरों के कलीसिया के बारे में फिक्र करते हैं। कैसे, अरे वहां तो 4 साल में 80 लोग हो गए, यहां तो 14 साल में 40 भी नहीं हुए। ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है तुम्हें इससे क्या। दूसरी बात मैं बता दूं, यह परमेश्वर का प्रेम है जिसमें वो कहता है उसका बुलावा, उसका उसको बुलाने वाला भी मैं हूं, तुझे बुलाने वाला भी मैं हूं। उसकी बुलाहट अलग है, आपका बुलाहट अलग है,
उसको गाने के लिए बुलाया है, तुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, उसको प्रचार करने के लिए बुलाया है, इसको कुर्सी डालने के लिए बुलाया है। लेकिन परमेश्वर की नजर में कुर्सी डालने वाला, गाना गाने वाला, प्रचार करने वाला सब एक समान बहुमूल्य है। इसलिए कंपेयर मत करना। ओ रबाना हथुरी भी शांत है नहीं, कंपेयर मत करना। अपनी सेवा पे ध्यान दो। उठाने वाला भी वो है, गिराने वाला भी वो है। ओ रबी नहदुरी भी शब्द हरा देने। इन नेम ऑफ जीसस, सारा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नस्र यीशु के नाम से जाती रहे। अगर वो सुधारता है, उसका कारण ये है कि वो आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। ये केवल सेवा में नहीं, ये नौकरी के क्षेत्र में भी होता है, ये स्कूल में भी होता है, ये कॉलेज में भी होता है। मैं बहुत इज्जत करने वाला परमेश्वर का एक दास है जिसको आप में से बहुत लोग जानते हैं और संतोष भैया व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, साजू जॉन मैथ्यू। उनके एक लफ्ज मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। उन्होंने एक बार कहा कि अगर हम अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो सबसे पहला कॉम्पिटिशन वो हमसे करेंगे। मैं दोबारा कहता हूं, उन्होंने कहा अगर हम अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, कॉम्पिटिटिव का हिंदी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो सबसे पहला कॉम्पिटिशन वो हमारे साथ करेंगे। हमें परमेश्वर इतना प्रेम करता है, हमें बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया है, उसमें हम वफादार रहें, उसमें हम ईमानदार रहें, यह परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है। दूसरा व्यक्ति कैसा भी जा रहा हो, कितना भी ऊपर जा रहा हो, कितने भी देशों में जा रहा हो, कितने भी स्टेज में प्रचार कर रहा हो, गीत गा रहा हो, बड़ी अच्छी बात, उसको आशीष दीजिए। एक आत्मिक भेद जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैंने कई बार कई जगह कहा, डूंगरपुर में भी कहा, मुझे चित्र याद है, वो ये है, अगर आप दूसरों की आंसुओं को पोछने के लिए दुआ करेंगे, अनजाने ही सही परमेश्वर आपकी आंसुओं को पोछेगा। अगर आप दूसरों की आशीष के लिए आप प्रार्थना करेंगे, अनजाने ही सही परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप दूसरों की बीमारी हटने के लिए दुआ करेंगे, अनजाने ही सही परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आप दूसरों को परमेश्वर के कार्य में उठाने के लिए और वो जानने के लिए अगर हम प्रार्थना करेंगे, अनजाने ही सही परमेश्वर हमारे लिए भी नए जगहों को तैयार करेगा। हम दूसरे कलीसियाएं, दूसरे मिनिस्ट्रीज के उन्नति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अनजाने ही सही परमेश्वर हमारी भी सेवाओं को उठाएगा। यह परमेश्वर का फिलॉसफी है। रबो न हथुरी भी शांत न रिबल कमानबा। आप दूसरों के बच्चों की आशीष के लिए प्रार्थना करके देखिए, अनजाने ही सही परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देगा। अब दूसरों के बच्चों की प्रकृति के लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी उनकी आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए, अनुग्रह के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी बच्चों को वहां पहुंचाएगा जहां आपने कभी सोचा भी ना हो। लेकिन ध्यान दे, पीछे मुड़कर कॉम्पिटिटिव भावना में नहीं देखना। यह परमेश्वर का प्रेम है कि वो हमें आज भी सेवा में रखा है। तो तीसरा है कि मैंने उसे भी सेवा में बुलाया, तुझे भी बुलाया है, उसके लिए मेरी दूसरी योजना है, तुम्हारे लिए दूसरी योजना है। स्वर्ग के परमेश्वर के पुस्तक में विश्वास योग्यता के साथ में सेवा करने वाले सबों के लिए एक ही पुरस्कार है, मैं ये सोचता हूं। और इसलिए कभी भी हम कॉम्पिटिटिव ना बने, कभी कंपेयर ना करें, तुम्हें इससे क्या। आगे बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 41, लूक 9:41, इसके साथ में मैं समाप्त करूंगा। लूक 9:41 यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा, अपने पुत्र को यहां ले आओ। चौथा उपयोग
अनकंफर्टेबल वर्बल एक्सप्रेशन है, अविश्वासी और हटीले लोगों, फेथलेस एंड परवर्स जनरेशन। यहां पर अविश्वासी के लिए जो पद उपयोग किया गया है वो है अपिस्टोस। अपिस्टोस का अर्थ मैं बता दूं, उसको समझने के लिए साधारण रूप से मैं बता दूं आज की भाषा में, तुम्हें जितना भी आशीष दो तुमको काफी नहीं है, उसको बोलते हैं अपिस्टोस। तुम्हें जितना भी भलाई दो तुम्हें काफी नहीं है, तुम्हें जितना भी मैं अनुग्रह दूं तुम्हें काफी नहीं है। ऐसे लोगों को देख के परमेश्वर कहता है अपिस्टोस, अविश्वासी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धन्यवाद हो हम सबों का कि जितना परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसमें तृप्त और खुश हैं। यह परमेश्वर की बड़ी दया है। लेकिन यदि हमारे बीच में आज कोई ऐसा है जो उसमें संतुष्ट नहीं है, तो आज परमेश्वर से माफी मांगे। कल मैं एक मेरे परिवार में एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, यह शारीरिक रूप से थोड़ा बीमार है, काफी कंप्लेन कर रहे थे। मैंने कहा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसका कितना बड़ा सबूत यह है कि आज भी तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। जाके उन परिवारों को देखो जहां पति कहीं और पत्नी कहीं और। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, इस बात का सबूत यह है कि तुम्हारे बच्चे तंदुरुस्त हैं। हम किस बात के लिए परमेश्वर की हम परमेश्वर को कंप्लेन कर सकते हैं। हटीले, दूसरा पद वहां है हटीले। हटीले का है, उसको थोड़े ध्यान से दे सुने, उसका जो सही अर्थ वो ये है, परमेश्वर हमारे जीवन में जो करना चाहता है हम उसको उस अर्थ में नहीं समझकर किसी और अर्थ में समझ जाते हैं। ऐसे लोगों को हटीले कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो यूनानी पद उपयोग किया गया है वो है डियास्ट्रीमेने। डियास्ट्रीमेने का मतलब है पीपल हु डिस्ट्रॉट, पीपल हु मिस इंटरप्रेट, पीपल हु मिस अंडरस्टैंड। अर्थात परमेश्वर ने अगर एक छोटा भलाई दे दिया तो हम सोचते हो ये इसका कारण ये है कि परमेश्वर हमसे बेइंतहा। नो, परमेश्वर कभी कभी कुछ भलाइयों को इसलिए देता है ताकि हम किसी और के लिए भलाई बन पाए। परमेश्वर कभी कभी हमारे अंदर में प्रार्थना का वरदान इसलिए देता है ताकि हम दूसरों के लिए घुटनों में बैठ पाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम ये सुनना पसंद नहीं करते हैं, अर्थात मेरे सामने से हट जा, चुप रह, तुम्हें इससे क्या, हे अविश्वासी, हे हटीले लोग, हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी सुना है तो वो उसका कारण ये है कि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमें नाश करने के लिए नहीं, हम हमारे साथ अपने प्रेम को दिखाने के लिए वो बार बार ये कहता है। इसलिए कभी अगर वो थोड़ा कठोर हो जाए तो नाराज मत हो जाना, वो उसका प्रेम है। हम जल्दी नाराज हो जाते हैं, हम जल्दी नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझसे दो न्यूमरिकल्स दिए। मैंने संतोष भैया के साथ में भी कुछ समय पहले ये बोला था, इसको एक डॉक्ट्रिन मत बना देना, सिद्धांत मत बना लेना। परमेश्वर शायद ये जो अवस्थाएं आज संसार में है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि परमेश्वर 32,000 लोगों में से 300 लोगों को ढूंढ रहा है। आपको याद होगा गिद्योन की कहानी, जहां 32,000 लोग युद्ध करने की तैयारी में आए, लास्ट में केवल 300 लोग बच गए। उन 300 में से क्या आप और मैं होंगे?
कनान राज्य को देखने के लिए, समझने के लिए 12 लोगों को भेजा। 10 लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट लाया, 2 लोगों ने अच्छी बातें कहा। क्या आप उस 2 में होंगे? मेजॉरिटी हमारे साथ नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी क्या परमेश्वर के लोग हैं? तो बस वहां रहना है। अब मैं उसको न्यूमेरिकल में बता दूं, गॉड इज लुकिंग फॉर 0.9375%। 32,000 का 300% आप निकाल लीजिए, 0.9375% परमेश्वर को वो काफी है। इसलिए कभी कभी वो क्या करता है, हमें चुप रहने के लिए बोलता है। इसलिए कभी कभी क्या करता है, हमें वो जबरदस्ती सामने से हटाकर पीछे खड़ा करता है। इसलिए क्या करता है, कभी कभी हमसे बोलता है माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, मेरे काम में पांव मत अड़ाओ, अपने काम से मतलब रखो। इसलिए कभी कभी कहता है कि तुम काफी हटीले हो गए हो। इसलिए कभी कभी कहता है कि तुम अभी अविश्वासी के रूप में कार्य कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आज परमेश्वर के प्रेम को कम ना समझे मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यह वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, ये आपको नाराज करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको यह बताने के लिए है कि अगर आज आपके जीवन में थोड़ी समस्या है, उसका कारण यह नहीं है कि वो आपसे प्रेम नहीं करता है, उसका कारण यह है कि वो आपसे बहुत और बहुत और बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए सोचिए, अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम या समस्या नहीं होता, वो छोड़िए, अगर आज मान लीजिए लॉकडाउन नहीं होता, ऐसा सिचुएशन नहीं होता, आज भी कलीसिया अपने तरीके से चल रहे होते, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि जब सारी चीजें पुनः नॉर्मल हो जाएगी, अगर परमेश्वर के आगमन में देर हो, तो आप ये जो 300 जो जितने वो प्रतिशत जो लोग निकले हैं ना, वो कलीसिया अलग होगी, उसका सोच अलग होगा, उसका कार्य अलग होगा, उसका सेवा अलग होगा, उसका अधिकार अलग होगा, उसका अभिषेक भी अलग होगा। आप उस अभिषेक और अधिकार के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हम नहीं जानते हैं आगे बातें कैसे होने वाली, हम नहीं जानते हैं। पिछले दिनों मैं और एक परमेश्वर के दास, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, पास्टर बाबू चरियन, उनका एक मीटिंग में मैं बैठा था। वो प्रचार में बहुत अच्छा बात बोले। मैंने पहले सुना तो सोचा ये क्या बोल रहे हैं, जब ध्यान दिया तो समझ में आया भाई सही तो बोल रहे हैं। आजकल ज्यादा लोग इंतजार में हैं एंटी क्राइस्ट के आने का, क्योंकि पूरा प्रचार एंटी क्राइस्ट के बारे में, संसार के अंत के बारे में चल रहा है। अरे भाई यीशु के बारे में बोलो, यीशु आएगा तो जाएंगे। यीशु से ज्यादा भी एंटी क्राइस्ट को अहमियत दिया जा रहा है। कलीसिया बदलना है, कलीसिया हैज टू चेंज, चर्च हैज टू चेंज। हमारी सेवा का केंद्र बिंदु, हमारी गीतों का केंद्र बिंदु, हमारी प्रार्थनाओं का केंद्र बिंदु, हमारे प्रचार का केंद्र बिंदु केवल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। जब जब प्रभु यीशु मसीह का ऊंचा उठाएंगे, बाकी सारी बातें अपने आप लाइन में आ जाएगा। प्रभु यीशु को ऊंचा उठाइए, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आज शाम ये वचन आपके सामने जो परमेश्वर ने मुझे दिया, अनकंफर्टेबल वर्बल एक्सप्रेशन, सुनने में उतना अच्छा ना लगे, लेकिन उसने यदि अगर पत्रस से ऐसा कहा, अगर उस व्यक्ति के अंदर के शैतान से ऐसा कहा, उसका कारण यह है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से बहुत प्यार करता है। अगर आज आपसे और मुझसे ऐसा कह रहा, उसका कारण यह है कि वो आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है कि हमारे अंदर के छोटे छोटे शैतानों को भी निकालने की इच्छा वो रखता है, नहीं तो ये अंदर रह रह के और बड़ा होता जाएगा। यदि वो हमसे कहता है कि अपने काम से मतलब रखो, तो उसका कारण यह है कि हमारा काम बहुत बड़ा है, हमारा काम सर्वश्रेष्ठ है, हमारा काम परमेश्वर की नजर में जरूरी है, हमारा काम परमेश्वर की नजर में बहुत बहुमूल्य है,
इसलिए वो कहता है अपने सेवा से मतलब रखो, दूसरों के बारे में वो देख लेगा। याद रखे, किसी को उठाने वाला परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, आपको भी उठा सकता है। जरूरत केवल यह है कि हम विश्वास करें और कभी भी कंपेयर ना करें, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के अधीन में रहकर परमेश्वर हम सबों को बल और शक्ति और सामर्थ्य दे। एक क्षण मैं सबको दूंगा, अपने आंखों को बंद करें, कोई आंखों को खोल के इधर उधर ना देखें, थोड़ी देर इस वचन के आधार पर अपने आप को आप समर्पित करेंगे। छोटे लफ्जों में अपने घरों में बैठकर ये छोटी प्रार्थना आप अपने आप में करेंगे कि ये परमेश्वर, यदि कभी कभी थोड़ा कठोर बात सुनना पड़े तो उसका कारण ये इसलिए नहीं है कि आप मुझसे नाराज हैं या खफा हैं, नहीं, लेकिन इसलिए कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उस प्रेम को समझने की बुद्धि मुझे दीजिए ताकि आपकी नाम की महिमा मेरे जीवन से होने पाए। आप ये छोटा प्रार्थना करेंगे तो अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्यारे परमेश्वर, सुने हुए वचनों के सामने मैं अपने आप को लाता हूं। सबसे पहले यह वचन मेरे लिए है प्रभु जी, उसके बाद सुन रहे मेरे भाइयों बहनों के लिए। आपकी इच्छा के अनुसार यदि जीवन में प्रभु जी कोई भी बात ना चल रही हो तो आपको पूरा अधिकार है कि आप मुझे चुप कराएं, आप हमें चुप कराएं, आप हमें सही मार्ग में लेकर के आएं, क्योंकि आपका प्रेम हमारे लिए अत्यंत बड़ा और सर्वश्रेष्ठ है। उस प्रेम को समझने की बुद्धि और ज्ञान हमें दीजिए एक ऐसे समय में जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं किया था। प्रभु, यदि आज एक ऐसा समय हमारे जीवन में, एक ऐसा समय कलीसिया में आया है, इसके पीछे आपका बहुत स्पष्ट उद्देश्य है। उस उद्देश्य को समझने की बुद्धि और ज्ञान हमें दीजिए ताकि हम शांत रहकर आपके कार्यों को देख पाए, शांत रहकर आपके कार्यों को, आपके मार्गों को हम समझ पाए। इतनी बुद्धि और इतना ज्ञान तो हमें दीजिए पिता। डूंगरपुर के परमेश्वर, इस कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। आपकी बड़ी दया में एक साल प्रभु जी आपने हमें भी दिया कि वहां पर हम सेवा कर पाए, आपके सारे दास दासियों के लिए, विश्वासियों के लिए, सबों के लिए बहुत धन्यवाद। सबों पर आपकी दया और दृष्टि रहने पाए। हमारे सामने बहुत कुछ हो रहा है प्रभु जी, आगे बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन सबके बीच में हमारा मेन फोकस प्रभु यीशु में से कभी भी ना हटने पाए। चाहे हमारे आसपास में कुछ भी क्यों ना घटे, हमारा फोकस आप में से कभी ना हटे प्रभु। इतनी बुद्धि और समझ तो हमें दीजिए पिता। आपके दास दासियों को, सारे भाई बहनों को, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष देता हूं, आशीष का पात्र बने और आपके नाम की महिमा आने। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन।